तो फॉर फर्दर बॉक्स ऑफिस अपडेट्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, बिकॉज जो नंबर्स दे रहा हूँ वो एग्जैक्ट सेम नंबर्स हो रहा है, क्योंकि लकीली ऐसा हो रहा है, जो मैं बताऊंगा नहीं वेबसाइट, बट लकीली ये नंबर्स एग्जैक्टली सेम हो रहे हैं। तो डे फाइव का मैंने ये नंबर्स एक्सपेक्ट ही नहीं करे, मेरे को लगा था कि इतने ज़्यादा एक्सटेंडेड वीकेंड है, तो मेरे को लगा था इतने नंबर 77, 78, 80 कर दिया, तो जाहिर सा बात है ये ड्रॉप होकर 22 to 25 के आसपास में जाकर गिरेगी। मेरे को ये नहीं पता था कि ये 22 to 25 नहीं बल्कि कुछ और बड़ा नंबर करेगी डे फाइव, यानी कि मंडे के दिन, प्लस इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच हो रहा है। भाई लिटरली मैं बोल रहा हूं, दिस इज अनबिलीवेबल। तो नंबर्स बताता हूं मैं, मॉर्निंग शोज की ऑक्यूपेंसी, जैसे कि मैंने कल सुबह ही वो मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी बताया, मॉर्निंग शोज की ऑक्यूपेंसी नियरली एग्जैक्टली सेम नंबर्स है, 16%, 15 to 16%। दोपहर की यानी कि आफ्टरनून शोज की ऑक्यूपेंसी वो बढ़कर 25 to 30% हुई है, शाम के शोज की ऑक्यूपेंसी 35 to 40 थी, एंड रात के शो की ऑक्यूपेंसी 50% अबाउ। तो इसका डे फाइव यानी कि फर्स्ट मंडे क्रूशियल टेस्ट को ये एक्सीलेंट 10 out of 100 मार्क्स से पास कर रही है, बिकॉज इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच होते हुए फिल्म ने डे फाइव के दिन हिंदी बेल्ट से 26-28 करोड़ किए, एंड तमिल एंड तेलुगु मिलाकर टोटल 4 करोड़ निकाले, 4 to 5 crores निकाले। तो टोटल इसका कलेक्शंस फॉल होगा, टोटल इसके नंबर एंड सेक्शंस बनेंगे 30 to 32 crore के बीच में, यानी कि 30 करोड़ श्योर शॉट ये फिल्म करने वाली है मंडे को, आफ्टर द एक्सटेंडेड वीकेंड, इवन आफ्टर पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच, वो भी मंडे के दिन। भाई कसम से इस तरह रहेगा तो ये इसका जो अगला वीकेंड आने वाला है ना, अगले वीकेंड में ये फिल्म फिर 40 करके 120 से 150 करोड़ का वीकेंड डे बनाएगी, अगले हफ्ते में फिर बनाएगी, लिख कर ले लो, कोई फिल्म नहीं है ये फिल्म फिर बनाएगी। और इस स्पीड से अगर ये गया ना भाई, ये 600 करोड़ का क्लब इंडिया नेट कलेक्शंस में खोल देगी, 600, और मोस्ट प्रोबेबली ये 650 करोड़ का क्लब खोल देगी। तो भाई दिस इज इनसेन, दिस इज मॉन्स्टर, दिस इज डायनेमिक मोर देन डायनेमिक, कि ये बंदा इस लेवल का कमबैक कर रहा है। अब बायोपिक लिखने के लिए अपन को कोई चटपटा सा मसाला का ज़रूरत नहीं, जैसे बाकी लोगों के बायोपिक्स में होते हैं, तो ये मसाला खुद ही एक मसाला है, मैगी का मसाला नहीं है, ये कश्मीरी मिर्च वाला मसाला है। सो दैट्स ऑल आई वॉन्ट टू से, चैनल को सब्सक्राइब करो फॉर फर्दर वीडियोस एंड अपडेट्स आते रहेंगे, और मैं ट्राई करूंगा कि जो ऑक्यूपेंसी का मेरे को मैसेज दिया है बंदों ने कि भाई मॉर्निंग आफ्टरनून एंड शाम के ऑक्यूपेंसी के हिसाब से वीडियोस डालते रहो यार, सब वीडियोस डाल रहे हो, तुम डालते हो 10 घंटे में एक वीडियो, तो थोड़ा सा पढ़ाई को लेकर भी थोड़ा सा इशू है, तो उस पर भी फोकस कर रहा हूँ, बट मैं मोस्ट प्रोबेबली ट्राई करूँगा कि दोनों चीज़ मतलब ये प्रॉपरली इसमें भी मतलब टाइम के हिसाब से बराबर ऑक्यूपेंसी का अपडेट मैं देता रहूँ। तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब ज़रूर करो, मिलते अपने एक लोड साथ।